सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। सरसों तेल लदी एक पिकअप भदोही वाराणसी मार्ग शहर कोतवाली इलाके के IICT जमनीपुर कॉलोनी मोड़ के समीप पलट गई। पिकअप पलटते ही तेल का डिब्बा सड़कों पर बिखर गया। चालक इंद्रजीत यादव वाराणसी से सरसों तेल लदी पिकअप इंदिरा मिल की तरफ लेकर जा रहा था। जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी के समीप पिकअप के सामने अचानक टेम्पो व बाइक आ गई। इन दोनों वाहनों को बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। तेल से भरा डिब्बा सड़क पर बिखर गया। पिकअप पर कुल 160 डिब्बा लोड था। 100 डिब्बे का तेल सड़क पर बिखर गया। चालक इंद्रजीत के मुताबिक लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पिकअप पर चालक इंद्रजीत सहित खलासी सूरज यादव मौजूद था। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। क्रेन बुलाकर पिकअप को सीधा कराया गया। सड़क पर अफरा तफरी फैली थी। सोमवार सुबह 8 बजे की घटना बताई गई है। भदोही कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही के दुलमदासपुर में एक कालीन कारखाने का ताला तोड़कर कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ की गई है। साथ ही कंपनी की चहरदीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। भदोही कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरोही के दुलमदासपुर निवासी जाबिर बाबू अंसारी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने दुलमदासपुर निवासी तौकीर अहमद, अनवर आरिफ, मोहम्मद अली, इमरान शौकत, रिजवान इरफान, गुफरान सोहराब के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कालीन निर्यातक समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी ने बताया कि वह दुलमदासपुर के तौकीर अहमद से 20 वर्ष पूर्व एक भूमि किराए पर ली थी। उसी भूमि पर कालीन कारखाना चला रहे हैं। खाली कराने की नियत से तौकीर व उनके परिजनों ने पहुंचकर तोड़फोड़ की है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव के एक मढ़े में आग लग गई। मढ़े में रखा 10,000 नकदी सहित कपड़ा, रजाई, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। मढ़े में सो रहे वृद्ध ने भागकर जान बचाई। याकूबपुर निवासी धर्मदास गौतम उर्फ नखड़ू के मढ़े में सोमवार की दोपहर उस वक्त आग लग गई जब परिवार के अधिकतर सदस्य खेत में कृषि कार्य से गए हुए थे। मढ़े में अकेले नखड़ू सोया हुआ था। अचानक मढ़ा धू धू कर जलने लगा। मंजर देख नखड़ू ने भागकर जान बचाई। आसपास के लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी की लापरवाही के चलते भदोही जिले में कोटेदारों की मनमानी जारी है। ऐसी ही एक शिकायत सोमवार को DM दरबार पहुंची थी। ज्ञानपुर ब्लॉक के भिदियूरा से रामचंद्र, अवधेश, नितिन, मुन्ना आदि लोगों ने पहुंचकर DM को पत्र सौंपते हुए इलाके के कोटेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि गांव का कोटेदार शशिकांत दुबे अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं देता है। विरोध करने पर नाम काटने की धमकी देने के साथ साथ गाली गलौज करता है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कोटेदार द्वारा मनमानी की जा रही है और गरीबों का राशन हड़पा जा रहा है। ग्रामीणों ने पत्र देते हुए मामले की जांच कराए जाने की DM से मांग की है। भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सोमवार को पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी उप जिलाधिकारी कार्यालय भदोही पहुंचे और एक पत्र सौंपते हुए आंधी, बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का प्रति बिस्वा 5,000 रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि भदोही जिले में बेमौसम हुई बारिश, बर्फबारी व तेज आंधी के चलते खेत में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द जिला प्रशासन मुआवजा उपलब्ध कराए। पत्र सौंपने वालों में राजेश कुमार, बंसराज, रामधनी, महेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। तेज आंधी बारिश के बीच गरीब का आसियाना उजड़ गया, जिससे परिवार को चौकी के नीचे पन्नी के सहारे रात बिताना पड़ा।
आपको बता दें कि भदोही जिले के अधिकारियों के लापरवाही व सुस्ती के चलते आज भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर छिपाने का आसियाना नसीब नहीं है। ठंडी गर्मी बारिश के बीच ऐसे आवास विहीन गरीबों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। डीग ब्लॉक के बैरी बीसा में संतोष कुमार गौतम का मढ़ा तेज हवा से गिर गया। इसी मढ़े में उसका परिवार रहता था। मढ़ा गिरने के बाद पूरी रात परिवार के सभी सदस्य चौकी के नीचे पन्नी के सहारे रात बिताई है। परिजनों का कहना है कि आवास के लिए ग्राम प्रधान से गुहार लगाया था, लेकिन आज तक आवास नसीब नहीं हो पाया है। भदोही शहर के नई बाजार ईदगाह के पास रहम अली शाह बाबा के मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया। अकीदतमंदों ने धूमधाम से उर्स मनाया है, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। नई बाजार के अशोक नगर से गागर उठाई गई थी। अब्बास नगर होते हुए गागर का जुलूस मजार तक पहुंचा था। गुस्ल के बाद चादर पोशी की गई। दुआ खानी के बाद सुबह तक कव्वाली का मुकाबला भी चलता रहा। उर्स को लेकर नई बाजार ईदगाह के समीप मेले जैसा माहौल रहा। मेले में बच्चों ने जमकर खरीदारी की। असनाव के नसरुद्दीन व इलाहाबाद की रहमान चिश्ती के बीच कव्वाली का मुकाबला हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल हौसला प्रसाद यादव हमराहियों के साथ डटे रहे। इस मौके पर महफूज आलम, मुन्ना अंसारी, महेंद्र यादव, सादाब अंसारी, नफीस फैयाज आदि लोग मौजूद रहे। सूर्यामा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ग्राहक सेवा केंद्र लूटकांड में शामिल तीसरे लुटेरे को भी सूर्यामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट की घटना में शामिल मुठभेड़ के बाद सूर्यामा पुलिस ने दो लुटेरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे लुटेरे को सूर्यामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश प्रयागराज के सराय ममरेज मसाड़ी निवासी विनोद चौरसिया बताया गया है। सूर्यामा थाना इलाके के विजयपुर में गत दिनों ग्राहक सेवा केंद्र पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पहुंचकर लूटपाट की थी। दो बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि तीसरा लुटेरा फरार चल रहा था। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत लूटकांड में शामिल तीसरे लुटेरों को भी सूर्यामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक महेंद्र कुमार व हेड कांस्टेबल पंकज कुमार सरोज शामिल रहे। आधी बारिश के बीच खपड़ैल के मकान पर भारी भरकम शीशम का पेड़ गिर पड़ा है। पेड़ गिरने से कच्चा खपड़ैल मकान धराशाही हो गया है। मामला डीग ब्लॉक के इनार गांव का बताया गया है। गुलाब प्रजापति के कच्चे खपड़ैल के मकान पर रात करीब 11 बजे शीशम का पेड़ गिर पड़ा। बारिश के चलते पेड़ गिरा है। जिस वक्त पेड़ गिरा उस दौरान गुलाब व उनकी पत्नी मढ़े के अंदर सो रही थी। संयोग अच्छा था कि पति पत्नी बाल बाल बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कच्चा खपड़ैल मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पेड़ गिरने से गांव में रात में हड़कंप मच गया था। आम आदमी पार्टी ने भदोही जिले में नगर निकाय के प्रभारियों को घोषित कर दिया है। सोमवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी कॉलोनी के पार्टी कैंप कार्यालय पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने एक प्रेस वार्ता कर बाकायदा इसकी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका परिषद भदोही, गोपीगंज, नगर पंचायत सूर्यामा, खमरिया, घोसिया, ज्ञानपुर व नई बाजार के लिए प्रभारी घोषित कर दिया है। इसी तरह प्रेस वार्ता में अशोक यादव ने बताया कि पार्टी 15 दिनों तक भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों में सदस्यता अभियान चलाएगी। कहा कि अगर जिले में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन चुना जाता है तो हाउस टैक्स हाफ व वाटर टैक्स माफ किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान एडवोकेट कविता राय, राजेश जायसवाल, महेंद्र नाथ पाल, रोशन अली आदि मौजूद रहे। पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान महिला डीएम एसपी दरबार पहुंचकर रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सूर्यामा इलाके के इंदिरा नगर की रहने वाली शिव देवी नामक महिला किसान यूनियन के नेताओं के साथ डीएम एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि पुलिस उसके परिवार को लगातार परेशान कर रही है। परिवार के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कहा कि परिवार के अधिकतर पुरुष सदस्य बाहर रहते हैं, घर पर लड़कियां मौजूद हैं। अक्सर पुलिस के जाने से परिवार की महिला सदस्य परेशान हैं। पत्र देते हुए महिला ने जिले के आला अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है।
ऊंच के अकोड़ा रोही बाजार में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रताप पाठक ने संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। आचार्य विवेक त्रिपाठी द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कराने के बाद अभियान का शुभारंभ किया गया। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के समापन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अकोड़ा के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। बारिश के चलते विद्यालय का कमरा पानी से टपक रहा था। जर्जर छत को बनवाए जाने का आश्वासन बीएसए ने दिया है। शौचालय के पास मिली गंदगी को लेकर हेडमास्टर व ग्राम प्रधान को फटकार लगाई है। इस मौके पर दिनेश शुक्ला, विजय बहादुर सिंह, रमेश त्रिपाठी, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की तमाम समस्याओं को लेकर भदोही का नेता दिल्ली में गरज रहा है। पिछले कई दिनों से सशक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमलपुर निवासी एडवोकेट बैजनाथ यादव जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने की मांग सहित भदोही जिले में सिटी बस चलाने की मांग, उगापुर हवाई अड्डा चालू कराने की मांग व किसानों की समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर बनवासी समाज के लोगों ने ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय सरपताह में प्रदर्शन करते हुए डीएम को पत्र सौंपा है। सेवरी मिशन मुसहर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्मिला देवी व ग्राम प्रधान लालजी सहित आधा दर्जन की संख्या में पहुंची बनवासी समाज की महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही आवासीय पट्टे के साथ साथ जोतने बोने के लिए जमीन देने की मांग की है। महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र एक बार फिर टूटे रिश्तों को जोड़ा है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की महिला थाना की पुलिस लगातार आपसी सुलह समझौते के जरिए टूटे रिश्तों को बचाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ा है। विवाहिता ने अपने ही पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत की थी। शिकायत के 11 दिनों के अंदर ही महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र पति पत्नी के बीच सुलह समझौता कराते हुए दोनों को फिर से एक साथ रहने के लिए राजी कर लिया है। सुलह कराने वाली टीम में थाना अध्यक्ष मक्खनलाल, महिला कांस्टेबल मीना यादव व कांस्टेबल रमेश कुमार मौजूद रहे। नवरात्र रमजान को लेकर भदोही ब्लॉक के निवादा कला गांव में आपसी भाईचारे प्रेम सौहार्द को लेकर ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने ग्राम सभा के गणमान्य व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की है। ग्राम पंचायत कार्यालय पर हुई बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे, जहां ग्राम प्रधान ने दोनों समुदाय के लोगों से भाईचारे के साथ रमजान व नवरात्रि मनाए जाने की अपील की है। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए नवरात्र पर मंदिरों के आसपास साफ सफाई कराने के साथ ही साथ मुस्लिम बस्ती के रास्ते को भी मुकम्मल कराया है। इसी रास्ते से तरावी पढ़ने के लिए मुस्लिम बंधु जाएंगे। बैठक में सभी से भाईचारे के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की गई है। बैठक में राम सिंह, राम उजागिर पाठक, वारिस अली, नूर मोहम्मद, विशाल पाठक आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के इब्राहिमपुर थानीपुर में मौजूद इब्राहिम शहीद बाबा व इस्माइल शहीद बाबा के मजार पर आयोजित उर्स के बाद कव्वाली की महफिल सजी थी। बारिश के बावजूद भी कव्वाली में मौजूद जायरीन झूमते नजर आए। अंजुमन गौसिया कमेटी द्वारा आयोजित कव्वाली मुकाबले का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कानपुर से आए कव्वाल रफीक परवाज व कव्वाला उजाला परवीन के बीच मुकाबला हुआ। दोनों गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। कव्वाली सुनने के लिए लोग सुबह तक जमे रहे। आस्थाने पर उर्स व कव्वाली को लेकर भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया था। इस मौके पर सरवर खान, मोहम्मद हनीफ, लल्लू, परवेज हाशमी, जाकिर अली आदि मौजूद रहे। औराई थाने पर नवरात्र व रमजान को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में इलाके के ग्राम प्रधान व दोनों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। औराई इंस्पेक्टर बैठक में मौजूद दोनों समुदाय के लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के हक में आवाज बुलंद होने लगी है। जंगीगंज में स्वतंत्र भारत पार्टी ने कार्यालय पर बैठक करते हुए जिले के स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि झोला छाप डॉक्टरों को ग्रामीण चिकित्सक का नाम दिया जाए। कहा कि ग्रामीण इलाके की अधिकतर गरीब जनता इन्हीं डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पहुंचती है।
200 से 300 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर बड़े डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाता है, लेकिन गांव में बैठे डॉक्टर सर्दी जुखाम बुखार खांसी जैसे रोग का 10-20 रुपए में इलाज कर देते हैं। गांव में बैठे ऐसे झोला छाप डॉक्टर डिग्री धारी डॉक्टरों से ज्यादा समाज सेवा करते हैं। स्वतंत्र भारत पार्टी ने गांव में बैठे ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दिए जाने की मांग की है। बैठक में प्रदेश संयोजक महेश कुमार सहित सुरेंद्र बिंद, अली हसन सिद्दीकी, शिव नारायण प्रजापति सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली भदोही जिले की महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। स्वच्छता उत्सव 2023 अभियान के तहत स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर यह सम्मान समारोह जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। 189 महिला सफाई कर्मियों को नवदेवी सम्मान से नवाजा गया है। सभी को पुष्प गुच्छ व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने महिला सफाई कर्मियों को नवदेवी सम्मान से नवाजा है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी गोपीगंज अमिता सिंह, सूर्यामा सोनल जैन मौजूद रही। फिलहाल सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।